क्या आपकी भी रंगत जो है वो कम होती जा रही है, यानी कि आज आपकी रंगत कुछ और है और एक महीने के बाद आप देखते हो कि आपकी रंगत बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा दिनों दिन एकदम बेरौनक होती जा रही है, आपके चेहरे में कोई ग्लो नहीं रह रहा है, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। आपको लग रहा है कि आपके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे हो गए हैं, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। और अगर आप चाहते हो कि किसी शादी पार्टी में जाने के पहले कोई एक ऐसा फेस पैक मिले जो इंस्टेंट आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट बना दे और आपको पार्लर जाने की जरूरत ना पड़े, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। ओवरऑल बात यह है कि आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा फेस पैक लेकर के आई हूँ जो इंस्टेंट आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है, लेकिन इस पैक का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो आपको वाकई स्पॉटलेस स्किन की जो आपकी चाह है ना, उस स्पॉटलेस स्किन को आप पा सकते हो। रातों रात तो नहीं, लेकिन यस 100% आप स्पॉटलेस स्किन की मालिक या फिर मालकिन हो सकते हो। तो आज का वीडियो देखना 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूं छवि। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा फेस पैक लेकर के आई हूं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाने वाला है, बहुत ज्यादा ब्राइट बनाने वाला है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाने वाला है। अब आप कहोगे छवि, ये डायलॉग तो आप अपने हर वीडियो में मारते हो, मैं सारे पैक आपके स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, ब्राइट बनाते हैं और स्पॉटलेस बनाते हैं। भाई वाकई मेरे सारे फेस पैक आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, स्पॉटलेस बनाते हैं और ब्राइट बनाते हैं। अब कौन सा फेस पैक आपको सूट करेगा वो आपको देखना है। मेरी तो ये ड्यूटी है, मैं हर रोज कोई ना कोई एक फेस पैक लेकर के आऊंगी, बट आपको अपना दिमाग लगाना है और सोचना है सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में अवेलेबल है कि नहीं। मान लो आज मैं ये फेस पैक लेकर के आई हूँ तो आपको ये देखना है सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में अवेलेबल है या नहीं। अगर सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, इस फेस पैक को बनाएं और लगाएं। लेकिन सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको सूट नहीं करते हैं, इसलिए पहले पैच टेस्ट करें और उसके बाद ही किसी भी फेस पैक को लगाएं। आप सबके बड़े कमेंट आते हैं और आप सबको जैसे पता है कि आप सबके कमेंट को ध्यान में रखते हुए ही मैं कोई भी वीडियो लेकर के आती हूँ या फिर किसी प्रोडक्ट के रिव्यू करती हूँ। तो आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे कि छवि मौसम सर्दी का हो तो भी मेरी रंगत कम होती है, मौसम गर्मी का हो तो भी रंगत कम होती है, सिंपल लैंग्वेज में मौसम कोई भी हो मेरी रंगत कम हो जाती है, तो उसका कोई सलूशन आप लेकर के आइए। साथ ही साथ कोई एक ऐसा फेस पैक लेकर के आइए जिसको मैं डेली लगा सकूं, आंख बंद करके लगा सकूं और मुझे कोई लगे नहीं, मन में डाउट ना हो कि इसको अगर मैं डेली लगाऊंगी तो मेरी स्किन को कहीं खराबी तो नहीं करेगा। आप यकीन करें सारे जो भी फेस पैक मैं लेकर के आती हूँ उसको आप डेली लगा सकते हो, जिसमें जिसको डेली नहीं लगाना है उसको मैं बता देती हूँ कि वीक में आपको 3 दिन लगाना है। जैसे ये फेस पैक है, ये एक ऐसा फेस पैक है जिसको आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो, यानी डेली लगा सकते हो और आप अपनी खोई हुई रंगत को वापस से पा सकते हो, यानी कि एक ऐसा फेस पैक जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट बनाएगा, जिसके रेगुलर इस्तेमाल से स्पॉटलेस स्किन की आप मालकिन होने वाले हो, यानी कि ग्लास स्किन की आप मालकिन होने वाले हो, चेहरे के ऊपर कोई दाग धब्बों के निशान नहीं रहने वाले हैं। अगर आपकी यहाँ की रंगत कुछ और, यहाँ की रंगत कुछ और, यहाँ की रंगत कुछ है और है, तो उसकी परेशानी को भी दूर करने वाला है। इसको बनाना सुपर से भी ऊपर इजी है, इसको लगाना तो उससे भी इजी है। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो बेल आइकॉन को जब भी क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कि इस पैक को बनाते कैसे हैं। लेकिन उसके पहले आप सबके कमेंट बॉक्स में पिछले, मुझे लगता है 1-2 महीने से नहीं, बहुत 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 महीनों से कमेंट आ रहे हैं कि छवि कोई एक ऐसा शैम्पू आप बताइए जिससे मेरी बेटी की उम्र 15 साल की है, कोई लिखता है 18 साल की है, कोई लिखता है 20 साल की है और कोई लिखता है कि भाई मेरे ही सर में बहुत डैंड्रफ है,
मेरे बेटे के सर में डैंड्रफ है, तो कोई एक ऐसा शैम्पू बताइए, कोई एक ऐसा ऑयल बताइए जिससे कि डैंड्रफ की परेशानी दूर हो जाए। आप सबके भारी भरकम डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सबके साथ ममा अर्थ के टी ट्री रेंज का रिव्यू कर रही हूँ, यानी कि ममा अर्थ का टी ट्री हेयर ऑयल, ममा अर्थ का टी ट्री हेयर शैम्पू एंड ममा अर्थ का टी ट्री हेयर कंडीशनर। तो रेंज है ना टी ट्री रेंज, ये आपके अगर बाल में अगर डैंड्रफ की परेशानी है, अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की परेशानी है, तो उसकी परेशानी को जड़ से खत्म कर देगा। अब आप सोचोगे कि आज ये एक ये बॉटल लगाई और सारा डैंड्रफ की परेशानी खत्म हो जाए, हो सकता है अगर आपके सर में थोड़े बहुत डैंड्रफ की परेशानी हो तो ये एक बॉटल आप खत्म करो और आपके डैंड्रफ की परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन भाई डैंड्रफ इतने जिद्दी होते हैं कि इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि डैंड्रफ की परेशानी आपकी एक बार जाए तो फिर दोबारा कभी नहीं आए, तो फिर अगर आपको ये हेयर शैम्पू अगर सूट कर जाता है, ये हेयर ऑयल अगर आपको सूट करता है, तो इस रेंज को आप कंटिन्यू करोगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई मैं ये क्यों बोल रही हूँ। देखिए डैंड्रफ की परेशानी तो वैसे सालों भर होती है, लेकिन विंटर सीजन में ये डैंड्रफ की परेशानी ना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए कि जो हमारे जो स्कैल्प है ना वो हो जाते हैं बहुत ज्यादा ड्राई, इची हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे डैंड्रफ की परेशानी निकलने लगती है, उभरने लगती है और भी ज्यादा। मीन्स भाई इतना है तो डैंड्रफ जो है विंटर सीजन में और भी ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर ही ये हेल्प करता है। ये ममा अर्थ का टी ट्री हेयर ऑयल और ये जो टी ट्री रेंज है ये पूरा आपको डैंड्रफ की परेशानी को दूर करता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हेयर ऑयल को। वैसे अगर आप इसको डेली लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 बार भी लगाते हो तो बहुत 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 अच्छी बात है। सबसे खासियत है इस ऑयल की कवर के साथ मिलता है, तो अगर आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है आपको, तो आप आराम से इसको आप ओपन करोगे, ऐसे करके ओपन करोगे और उसके बाद जो है ये जो है आपको ये जो है इस कवर को ऐसे आप बंद करेंगी, उसके बाद इससे आप बंद करेंगी और ये जो है आपका गिरने के चांस ही नहीं रहेंगे। आराम से आप अपने ट्रैवल वाले पैकेट में डालेंगी और लेके चली जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये इसलिए आपको मिलता है कब लगा करके और आपके बाल में लगाने के फायदे ये हैं कि आप उंगलियों से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आप इससे लगाते हैं ना तो एकदम आपके रूट में जाकर के ऑयल लगता है और भी ज्यादा अच्छे से जो है वो काम करता है। तो आप चाहे तो इसके थ्रू लगा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट फिंगर से बाउल के अंदर निकाले तेल को और फिंगर के हेल्प से लगा ले, एज यू विश, बट इससे अगर लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसके फ्रेग्रेंस की। सबसे पहले जो ये टी ट्री रेंज है ना इसके फ्रेग्रेंस की, तो इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट है, हीरो इंग्रेडिएंट है, वो है टी ट्री और जिंजर। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, बट अगर हीरो इंग्रेडिएंट की बात करते हो तो टी ट्री और जिंजर है। तो इसका जो स्मेल है ना आपको एकदम मस्त जो है ना जिंजर यानी कि अदरक की जो है वो खुशबू आपको मिलती है, और अदरक तो पता है ना हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हमारे बाल के लिए ये जो टी ट्री रेंज है ममा अर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेहतरीन है। अब शैम्पू करने की बात आपको मैं क्या बताऊं कि शैम्पू कैसे करना है। अभी हफ्ते में आप अगर 3 बार शैम्पू का इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले आपको शैम्पू करना है, फिर उसके बाद आपको कंडीशनर लगा लेना है, ठीक है, और हफ्ते में वैसे ही आपको 3 बार ये ऑयल लगा लेना है। बात कर लेते हैं शैम्पू के कलर की। जो शैम्पू का कलर है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से भी फ्रेग्रेंस आपको सेम मिलता है जो कि आपको मीन्स ऑयल में मिलता है, यानी जिंजर और आपको टी ट्री का। अगर इसके कंडीशनर के टेक्सचर की बात करते हो तो थिक व्हाइट कलर का कंडीशनर है, यानी शैम्पू जो है आपको ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा मिलता है और कंडीशनर जो है वो व्हाइट कलर का मिलता है। एकदम टेक्सचर बहुत माइल्ड है, थोड़ा सा जिंजर है, इसलिए थोड़ा सा जिंजर का तो आपको थोड़ा सा स्मेल आएगा, बट आपको मेरे जैसे भी अगर स्मेल हार्ट स्मेल की परेशानी है तो भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, तो एक बार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले। एक चीज और जरूर कहूंगी कि जब भी आप ऑयल को लगाते हो तो आपको सिर्फ ऑयल को लगाना नहीं है, अच्छे से आपको मसाज करना है, अच्छे से एकदम आपको ऑयल को पूरे पूरे बाल में और जड़ में जो है मसाज करें,
ओवरनाइट अगर छोड़ते हो तो बहुत 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 अच्छी बात है, बट अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ते हो तो एटलीस्ट आप शैम्पू करने के 2 घंटे पहले इस ऑयल को लगा ले और उसके बाद शैम्पू कर ले तो भी चलता है, ठीक है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं स्पैक को बनाते कैसे हैं, स्पैक को लगाते कैसे हैं। इस पैक को बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो लेना है आपको अंगूर यानी कि ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर की ये खासियत होती है कि ये इंस्टेंट आपकी स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है। बड़े बड़े ब्रांड्स के आप क्रीम में देखोगे ग्रेप्स का इस्तेमाल होता है। ग्रेप्स आपकी स्किन को वाइटन ब्राइटन करता है, साथ ही साथ स्पॉटलेस बनाता है। ग्लास स्किन की अगर चाह रखते हो तो ये फेस पैक आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाला है। तो मैं तकरीबन 8 से 10 ग्रेप्स यानी कि अंगूर ली हूँ और ग्राइंडर में इसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भी रोज़ वाटर या फिर पानी कुछ भी नहीं मिलाई हूँ, सीधा मैं ग्राइंड की हूँ। जहाँ मैं ग्राइंड की हूँ उसके बाद पल्प के साथ इसको मैं ले ली हूँ। ये नहीं कि आपको जूस लेना है, पल्प नहीं लेना है, आपको जैसे आप ग्राइंड करते हो वैसे ही आपको डाल देना है। उसके ग्राइंडर में थोड़ा सा लगा हुआ था तो थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल करके मैं उसके अंदर जो भी बचा हुआ था वो भी मैं डाल दी हूँ। अब जो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो है सुगर पाउडर। नॉर्मली जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं वही सुगर है, उसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके मैं डाल दी हूँ। ये भी आपकी स्किन को वाइटन और ब्राइटन करता है। अब जो मैं ले रही हूँ वो है लिकोराइज पाउडर। तो 1 स्पून मैं ली हूँ सुगर पाउडर और 1 स्पून मैं ले रही हूँ लिकोराइज पाउडर। अब अच्छे से आपको इन दोनों को मिलाना है। आपको पता है जैसे कि लिकोराइज पाउडर हमारे चेहरे से दाग धब्बों को दूर करता है, हमारी स्किन में नेचुरली हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ब्राइट बनाता है, स्पॉटलेस बनाता है। ठीक वैसे ही सुगर पाउडर यानी कि चीनी पाउडर का काम होता है हमारी स्किन को इंस्टेंट हमारी स्किन को वाइटन और ब्राइटन करना, साथ ही साथ अगर हमारे चेहरे के ऊपर कोई डेड स्किन वगैरह है तो उसकी परेशानी को दूर करना। ये जो फेस पैक है आपकी स्किन टाइप चाहे कोई भी हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो, इस फेस पैक का आप ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये फेस पैक आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला है, आपकी छुपी हुई खूबसूरती को निखारने वाला है। अब जो इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वो मैं ऐड कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी पाउडर यानी कि सिंपल मुल्तानी मिट्टी पाउडर और 1 स्पून मैं ऐड की हूँ मुल्तानी मिट्टी पाउडर। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है कॉफ़ी पाउडर। अब इन सबको आपको मिक्स करना है अच्छे से। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी पाउडर भी 1 स्पून और कॉफ़ी पाउडर भी 1 स्पून, कवर करके 15 मिनट्स के लिए आपको छोड़ देना है अच्छे से मिक्स करके। आफ्टर 15 मिनट्स आपको अपने साफ सुथरे फेस के ऊपर, पूरे फेस नेक के ऊपर आपको लगाना है। आप इसे फुल बॉडी में लगा सकते हो, अंडर आर्म्स और वीकनी एरिया में भी। अंडर आई आप लगाएंगे उससे ये होगा कि अगर आपको डार्क सर्कल वगैरह की परेशानी है तो वो भी आपकी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ग्लोइंग बनाने वाला है ये पैक। 20 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश करना है। अब मेरी स्किन देखिए, जहाँ मैं फेस को वॉश की हूँ मेरी स्किन मुझे हद से ज़्यादा ग्लोइंग और हद से ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा ब्राइट और मीन्स देख रहे हो ना, गजब की ब्राइट लग रही है और ग्लोइंग लग रही है। तो सुपर से भी ऊपर वाला ये फेस पैक है। लेकिन आधा ज्ञान खतरे जान, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें तभी आपको सब कुछ समझ में आए। तो आपने देख लिया कि इस पैक को बनाते कैसे, इस पैक को लगाने के बाद तो रिजल्ट सुपर का आया। मेरी स्किन बहुत ज्यादा मुझे ग्लोइंग और ब्राइट लगने लगी है। जैसे मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको आप डेली लगा सकते हैं। जो आप सबके कमेंट बॉक्स में कमेंट भरे रहते हैं ना कि छवि प्लीज कोई ऐसा पैक बताइए जिसको मैं डेली लगा सकती हूँ, आंख बंद करके इसको आप लगा सकते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है ना सुपर से भी ऊपर वाले हैं। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी छुपी हुई रंगत एकदम दिनों दिन निखरती चली जाए तो उसके लिए पैक है। और अंगूर जो है वो काम ही करता है, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। अंगूर के कितने सारे फेस पैक हैं आप और कितने सारे मार्केट में क्रीम है आपको पता है ना, और सब स्किन को वाइटन करने के काम में आता है। तो सुपर से भी ऊपर वाला पैक है ये। अब बात कर लेते हैं कि इसको कौन से एज से लगा सकते हैं। आज के डेट में अगर आपकी उम्र 10 साल की हो गई यानी 10 साल सिर्फ 10 तो आप हफ्ते में 3 बार इसको लगा सकते हो। 15 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर रखना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। और आज के डेट में अगर आप 10 से 15 साल की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आज के डेट में आपकी उम्र 16 साल की हो गई, हर रोज इस पैक को आप लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। 16 साल से लेकर के आज के डेट में आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो,
इसको आप लगा सकते हो। लगाने का कोई टाइम नहीं है, जब भी आप फ्री हो, जब भी आपकी इच्छा हो इस पैक को लगा ले। जब भी फेस पैक को लगाते हैं तो विदाउट फेल आपको आपका फेवरेट, अगर डे टाइम में लगाते हो तो डे क्रीम, नाइट टाइम में लगाते हो तो नाइट क्रीम लगाना कंपल्सरी है। ओके, बॉडी लोशन भी लगाना बहुत जरूरी है। फुल बॉडी व्हाइटनिंग पैक है ये, फुल बॉडी में आप चाहे तो इसे लगा सकते हैं, यहां तक कि वीकनी एरिया और अंडर आर्म्स में भी। ओके, जहां तक इस पैक को बना के स्टोर करने की बात है, इस पैक को बना करके आराम से इसको फ्रिज के अंदर 5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी पैक को बना करके रखते हैं तो कवर करके रखते हो तो इसकी लाइफ और भी ज्यादा अच्छी होती है। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूं, अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बताना रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब भी मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि, जाए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उसके बाद मुझे डीएम करें। जब भी मैं फ्री रहूंगी आपके डीएम का जरूर रिप्लाई करूंगी 100%। ओके, 2 दिन के बाद करूं, 3 दिन के बाद करूं, बट करूंगी जरूर। ठीक है, आई होप कि मेरा वीडियो आपके किसी काम आया हो। वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और भी अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी अच्छा लग गया हो तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और वीडियो बनाने की और भी इच्छा होती है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।